वापस एक बार डायसन ने भर जाए उनका V15 डिटेक्ट वैक्यूम। हम लोग देखने वाले ये वर्थ द प्राइस है क्या। डायसन यार काफी ज्यादा जाना माना ब्रांड है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में, यहाँ तक कि इन्होंने फर्स्ट बैगलेस वैक्यूम इन्वेंट किया था। इवन मैं भी डायसन के दो एयर प्यूरिफायर यूज करता हूँ। ये इसके एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स वगैरह है, इसके कुछ खतरनाक खतरनाक से अटैचमेंट है भाई। ये वाला काफी ज्यादा कूल है, इसको देखना है मुझे डेफिनेटली। ये लेजर वाला है दोस्तों, ये इसका वैक्यूम है एक्चुअल वाला, और मैंने गलती से इसको क्लिक किया, स्टार्ट हो रहा है भाई, और क्या मस्त आवाज आ रही है, दिखा दो आपको। ठीक है, एकदम ऐसे लगता है फ्यूचरिस्टिक कुछ यूज करने वाले आज हम। ये देखो, ये इसके साथ एक डॉक आता है जिसको आप ऐसे दीवार पे लगा के इसको माउंट कर सकते हो, और सब अलग अलग से अटैचमेंट्स है इसके साथ। ये देखो दोस्तों, इसके साथ इतनी सारी चीजें आ जाती है, एक्चुअली में काफी अच्छी बात है ये भाई, हाथ में लेते ही तुरंत समझ जाता है ये सारी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें है। ये भाई ना गाइस फील इसका सारा का सारा एलिगेंट एंड प्रीमियम क्वालिटी का ही आ रहा है, लाइक इवन ऐसे स्मूथली मूव होता है सब कुछ। मैं ना कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको इजीली कैसे कर सकते हैं। ये रेड कलर का है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली ये साइड पे चला जाता है एंड बस क्लिक हो गया, ठीक है। एंड सेम चीज यहाँ पे भी ये इजीली ये ऐसे क्लिक हो गया, देखो, तो मतलब ये रेडी हो गया यूज करने के लिए। अभी दोस्तों यार साफ सफाई करने से पहले ना मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो अभी हम लोग ये वैक्यूम के साथ रेडी है साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि भाई गंदगी तो मैंने कर दी है। अभी ना इसमें लेजर फ्लफी वाला मैंने अटैचमेंट लगा दिया है, इसको स्टार्ट करना है ना काफी इजी है, जब तक आपको सक्शन चालू करना है तब तक ये दबा के रखो। बाकी तो देखो काफी ज्यादा इजी है, बस आपको इसको ऐसे नॉर्मली जैसे करते है। गाइस मैं लिटरली नीचे झुक के देख रहा हूं, कुछ भी चीज यहाँ पे बची नहीं है, इतना बढ़िया ये भाई साहब, इतना साफ है कि आराम से यहाँ पे लेट सकते हो, आपके कपड़े खराब ना होगी, टेंशन की बात ही नहीं, आराम से भाई। भाई सॉरी, जब से ना वहां से होके ये वॉन्ड से आके ऐसे पीछे से जाके इधर आ गए, देखो इधर सीधा कलेक्ट हो गए। अभी ना गाइस इसको क्लीन करना भी काफी ज्यादा ईजी है, बस इसको यहाँ से डिटैच कर दो वॉन्ड को। ये देखो यहाँ से ये रेड वाला हैंडल ना, इसको बस आगे खिसका दो, सीधा नीचे सब गिर गया, देखो एकदम क्लीन, वापस रेडी। भाई साहब रियल टाइम में ना यहाँ पे जो LCD डिस्प्ले यहाँ पे दिख जाता है कौन से वाले पार्टिकल्स जमा हो गए, ये 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को तक सक कर सकता है आराम से। ये पार्टिकल्स डिटेक्ट करता है पीजो सेंसर के मदद से, जो कि 15,000 बार एक सेकंड के अंदर डिटेक्शन कर सकता है। इतने छोटे पार्टिकल्स को भी ये सक्शन कर सकता है, इसका मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एलर्जी कॉजिंग पार्टिकल्स हो गए, उनको भी सक्शन कर सकता है। एंड इसका ना हेपा फिल्टर आ जाता है, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों को, इन सभी पार्टिकल्स को वगैरह इसके अंदर ही ट्रैप रखता है, तो आप इसको ब्रीथ नहीं करोगे। और कॉर्डलेस होने का यार सबसे बड़ा फायदा यह है कि कहीं पे अपने को लगा के नहीं रखना है, दूसरे रूम में इजीली जा सकता हूँ। ये देखो इधर भी आ गया, आराम से हम लोग यहाँ पे भी साफ सफाई कर सकते हैं, कॉर्डलेस का यही फायदा है। दोस्तों इसका एक और कूल फीचर, ये लेजर वाला अटैचमेंट मैंने अटैच किया है एंड लेजर इसकी चालू कर दी यहाँ से, तो अब जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको ये एकदम ठीक से दिखने लगते हैं पार्टिकल्स, एंड आराम से इसको साफ कर सकते हो। ये देखो गायब हो गए सारे के सारे। मैं डेमो के लिए ना आपको यहाँ पे ज़्यादा डाल के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, ये देखो डायरेक्टली इनविजिबल का विजिबल हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे गाइस एक बटन है जिसकी मदद से ना आप चेंज कर सकते हो कौन से मोड पे सक्शन लगाना है। पहला तो इको मोड एकदम स्लो के लिए, देन ऑटो मोड है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा सक्शन, ज़्यादा सक्शन करना है तो बूस्ट मोड पे यूज़ कर लेना, अगर बूस्ट मोड यूज़ किया तो बैटरी ज़्यादा यूज हो जाएगी, इको मोड में सबसे कम यूज हो जाएगी, तो आपका सरफेस वगैरह कैसा है उसके हिसाब से मोड सिलेक्ट कर लो या फिर डायरेक्टली ऑटो पे रख दो, कोई टेंशन नहीं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे अटैचमेंट्स है इसके, अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है लेजर स्लिम फ्लफी हेड, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस ये लाल बटन दबा दो और खींच दो, ये देखो निकल गया सीधा। ये वाला जो था अभी यूज़ कर रहे थे हम लोग लेजर वाला, ये बना है हार्ड फ्लोर्स के लिए, मतलब टाइल्स वगैरह होती है जो नॉर्मली अपना फ्लोर होता है उसके लिए बना है। अभी हम लोग यूज़ करके देखते हैं ये डिजिटल मोटर बार क्लीनर टूल, ठीक है, तो ये बना है कारपेट वगैरह के लिए, मतलब सॉफ्ट फ्लोर होता है उसके लिए, एंड साथ ही में अगर आपके पास पेट्स वगैरह है तो पेट के जो बाल है वो भी ये खींच सकता है, इसको लगाना काफ़ी ईजी है। ये देखो सेम ही है मेथड, बस लाल ये देखना है और इधर से बस स्नैप हो गया। इसके अंदर देखो गाइस एंटी टैंगल कॉम्ब आ जाता है,
भाई खाने का अपने को काफी शौक है, इसलिए अभी सोन पापड़ी खाते हैं पहले भाई, ब्रेक लेने से पहले। फूड ब्लॉगर दोस्तों मैं नॉर्मली ऐसे नहीं खाता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए ऐसे खा रहा हूँ। ऐसा अगर मैं रोज खाऊंगा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए ना ये वाला स्टंट घर पे ट्राई मत कीजिए कोई भी। अभी ये डिजिटल मोटर बार वाला मैं हेड यूज करके देखता हूँ, इस पे आराम से हो जाएगा शायद। पूरा साफ हो गया दोस्तों, एकदम आराम से सब कुछ चकाचक हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा मैंने कितना खाना गिराया था। इस पे अभी मैंने लगाया हेयर स्क्रू वाला टूल, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं, सोफा वगैरह रहता है, मैट्रेस रहता है, वहां से हेयर वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास पेट वगैरह नहीं, यहाँ पे हेयर तो नहीं है, बट थोड़ी सी गंदगी है तो हम लोग इसको यूज करके देख लेते। ये मिक्की वाइप भी अपने पास, ठीक है, इसको भी साफ करके देखते। मिक्की को भी हम लोग साफ करे, देखो गाइस कुछ कुछ टूल से ना हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं, लाइक बिना वांट के। चलो ये इसको निकाल दिया एंड डायरेक्टली इसको यहाँ से अटैच कर लिया, ये देखो। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है अगर कॉम्पैक्ट स्पेस में अगर आपको कुछ करना है, ये देखो ऐसे भी ये काम करेगा नॉर्मल सा। सीरियसली दोस्तों वैक्यूम का काफ़ी ज़्यादा फायदा ये वाले, क्योंकि ये देखो इतनी सारी गंदगी है। नॉर्मली सोफा पे कारपेट पर वगैरह नॉर्मली चलाया मैंने, ज़्यादा कुछ साफ भी नहीं किया, स्टिल इतना सारा यार डस्ट वगैरह निकल गया है। यह है एक मिनी सॉफ्ट डस्टिंग टूल, दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है अंदर से वगैरह। ये डेलिकेट आइटम्स के लिए बना है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, कीबोर्ड हो गया। दोस्तों यार कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने पीसी पे वगैरह देखते देखते कुछ खाते हैं या फिर गेम खेलते खेलते भी खा लेते हैं और बहुत गंदगी गिर जाती है, ठीक है। इवन अगर आपने सावधानी से खाया साइड पे, स्टिल यार गंदगी तो होनी ही है, क्योंकि कीबोर्ड में डस्ट वगैरह बैठ जाती है, अपने बाल वगैरह बैठ जाते हैं। मैं ना गाइस किसी को देखने से पहले इसको साफ कर देता हूँ, वरना वाट लग जाएगी। उसके लिए हम लोग ये वाला अटैचमेंट हेड यूज कर रहे हैं, ये देखो आराम से हो जाएगा अभी। एकदम गाइस चकाचक हो गया है कीबोर्ड, कुछ भी थोड़ा सा भी ब्रेड क्रम तो छोड़ो, पहले इसमें थोड़ी सी डस्ट थी, बाल थे, वो भी हट गए सारे के साथ। ये ना अपने बस यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन टूल भी है, ये कर्टन्स वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है, कॉब वेब्स वगैरह होते हैं ना, स्पाइडर वेब्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए ये काम कर जाएगा, ठीक है। अभी लाइक अगर आपको कर्टन्स के साथ यूज करना तो ये ब्रश यूज करो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन टूल है, इसका मतलब दो चीजें इसमें हो सकती है आराम से। इसको क्लिक करो ये पीछे आ गया और हार्ड सर्फेस आ गया, तो इससे हम लोग वेब्स वगैरह निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी गया स्पाइडर का खात्मा होने वाला है, वेब्स हम लोग ढूंढने वाले घर घर में। दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोग को एक छुपा हुआ जासूस मिला है, तो हमारे सिक्योरिटी कैमरा को बाधा डाल रहा है, ठीक है। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा साफ रहता है, इसलिए कॉब वेब्स स्पाइडर वेब्स ढूंढने में टाइम लगा। अभी दो ही टूल बचे, ये क्रिवाइस वाला टूल है जो यार छोटी छोटी जगह होते हैं वहाँ पे करने के लिए साफ, और ये है स्टबर्न डर्ट वाला, लाइक मड वगैरह होती है ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अटकी हुई, उसको निकालने के लिए काम आता है। हमारे घर में तो मिलेगी नहीं, इसलिए ये वाला दिखाता हूँ आपको। गाइस इसको इतने टाइम तक यूज करने के बाद बोल सकता हूँ इसकी सक्शन पावर तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी मोटर भी है ना वो घूमती है 125,000 RPM पे, कुछ ज़्यादा ही तेज है। बस एक बात का ख्याल रखना कि ये ड्राई वैक्यूम है, इसका मतलब इसको पानी के साथ मत यूज़ करना। भाई डायसन ने ना फर्स्ट टाइम लाया था कॉर्डलेस वैक्यूम, तो इनको पता है इसलिए कि भाई क्लीनिंग में टाइम बहुत लग सकता है कभी कभी, तो इसलिए इसकी बैटरी लाइफ 1 घंटे की। ये नीचे दिख रहा है ना, ये इसकी बैटरी है, इसको निकालना काफ़ी ईजी है। ये देखो यहाँ पर ये बटन दबाया एंड बैटरी निकल गई, ये इसकी बैटरी है। एंड अगर आपको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है तो आप एक्स्ट्रा बैटरीज खरीद के उसको स्वैप कर सकते हो। बैटरी में ना यहाँ पे आता है ये चार्जिंग का कनेक्टर, ये जो चार्जिंग डॉक आता है ना इसको भी आप वॉल माउंट कर सकते हो। सपोज इसको मैंने वॉल माउंट किया होता तो मुझे बस इस डॉक में इसको ऐसे रखना पड़ता, ये देखो, तो उसके बाद चार्जिंग डायरेक्टली शुरू हो जाती। यहाँ पे LEDs दिख रहे हो, ये ब्लिंक हो रहे, मतलब कि दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वॉल पे एक बार लगा दिया, रख दिया, हो गया काम। एंड देखो इसी डॉक के साथ हम लोग अटैचमेंट्स भी लगा के रख सकते हैं, इसके साथ ना एक वॉन्ड क्लिप आ जाती है, जो ये ऑब्वियसली वॉन्ड है उस पर लग जाती है। कोई भी दो अटैचमेंट्स आप इसमें आराम से लगवा के रख सकते हो, तो यार इजीली स्वैप हो जाएगी आपसे। इसको गाइस क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इजी एंड हाइजेनिक है,
ये लाल कलर का फ्लैप है ना, इसको बस आपको दबा के रखना है और नीचे ये करना है, देखो पूरा का पूरा कचरा नीचे गिर गया। एंड बस इसको वापस पीछे कर दो, बंद कर दो, हो गया। और इसका फिल्टर है ना वो भी आपको मंथली क्लीन करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको, बस ये पीछे से निकाल लेना है, ये देखो इसको बस आपको लेना है और टैप वाटर से वॉश करना है। ये देखो इसको बस 24 आवर्स के लिए ड्राई करना है एंड वापस से लगा देना है, इजीली हो गया काम आपका। तो ये जो डायसन का V15 डिटेक्ट कॉर्डलेस वैक्यूम है ना, ये पावर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइट वेट लगा, लाइक आराम से हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं। एंड इवन ऑनेस्टली बोलो आपको, जो गेमर्स होंगे देख के क्या लग रहा है भाई, सीरियसली ये स्नाइपर जैसा दिख रहा है मुझे। तो ये क्लीनिंग वेपन हो गया मस्त सा बढ़िया सा डायसन का। डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वेल क्वालिटी भी अच्छी है भाई। कॉर्डलेस होकर भी ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी ज़्यादा हल्का सा है, सक्शन पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग सारे के सारे सर्फेसेस को ये क्लीन कर सकता है। इसका मतलब भाई वैल्यू फॉर मनी है ये। इस डायसन V15 डिटेक्ट कॉर्डलेस वैक्यूम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको भी यार घर साफ करना है इससे, तो डेफिनेटली लिंक तो चेकआउट करना ही बनता है। फटाक से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।